केजीएफ का ये सीन कुछ इस तरीके से शूट हुआ था, और अगर ट्रिपल आर की बात करें तो कुछ इस तरीके से शूटिंग हुई थी। इसके अलावा पुष्पा फिल्म का ये ट्रक से कूदने वाला सीन तो आपको याद ही होगा, ये कुछ इस तरीके से शूट हुआ था। दोस्तों फिल्मों में भर भर के VFX का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है साउथ की फिल्मों को, क्योंकि VFX का इस्तेमाल सबसे ज्यादा साउथ की फिल्मों में ही किया जाता है। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनमें VFX का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग के साथ खेला गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्लू अर्जुन की फेमस फिल्म पुष्पा की। अब आप सबसे पहले इस फॉरेस्ट वाले सीन को देख लो, जब अल्लू अर्जुन को पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो कैसे ये लोग घर को हटाकर इसको जंगल में तब्दील कर देते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, जो आप फॉरेस्ट वाला फील ले रहे हो ये पूरा का पूरा VFX का कमाल है। और इस वाले सीन में जो आप ये लाल चंदन देख रहे हो ये भी VFX की ही देन है। हालांकि कुछ चंदन की लकड़ियां असली भी थी, असली का मतलब है स्पंज से बनी हुई लकड़ी, बाकी की इतनी सारी लकड़ियां तो इन्होंने VFX से ही बना डाली। लेकिन दोस्तों ये तो VFX का एक छोटा सा नमूना था, असली कमाल तो अब देखिए। सबसे पहले इन्होंने एक फेक ट्रक का स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसके बाद सीन को ऐसा दिखाया गया है कि ट्रक कुएं में जाकर गिर गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फर्जी ट्रक का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अल्लू अर्जुन को एक कार्डबोर्ड के ट्रक से गिराया गया था। इस सीन को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए लाइडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। क्या हुआ दोस्तों, ये वीडियो क्लिप देखकर और मेरी बातें सुन सुनकर आपका दिमाग चकरा गया होगा, इसलिए थोड़ा सब्र करो और वीडियो को पूरा देखो। दोस्तों आपने बहुत सारी फिल्मों में एयरपोर्ट वाले सीन जरूर देखे होंगे, लेकिन दोस्तों एयरपोर्ट वाले सीन में से अगर VFX और एडिटिंग को जीरो कर दिया जाए तो उसके बाद एयरपोर्ट की जगह पर आपको सिंपल रोड और एरोप्लेन के नाम पर सिर्फ पायलट ही नजर आएगा। अब हम बात करेंगे 2022 की सबसे पॉपुलर फिल्म ट्रिपल आर के बारे में, जिसने हाल ही में ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। दोस्तों अगर आपने ट्रिपल आर फिल्म देखी है तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के तकरीबन 90% सीन VFX की मदद से ही शूट किए गए हैं। दोस्तों आपने VFX के सीन शूट होते समय ग्रीन स्क्रीन तो देखी होगी, लेकिन ट्रिपल आर फिल्म में ग्रीन की जगह पर ब्लू कलर की स्क्रीन का यूज किया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि फिल्म के अधिकतर सीन में हरे रंग के पेड़ पौधे दिखाने थे, और साथ ही आप रामचरण का ये सीन बिफोर एडिट और आफ्टर एडिट का एक साथ देखोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि VFX की हेल्प से क्या कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों किसी भी फिल्म में VFX सबसे बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फिल्में हैं जिनमें VFX का यूज कम से कम किया गया है, जैसे कि KGF चैप्टर 2 में। दोस्तों इस फिल्म में पूरी शूटिंग एकदम रियलिस्टिक तरीके से की गई है, और इसकी शूटिंग भी रियल लोकेशन पर ही की गई है। और इस फिल्म का सुपर हिट होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि इस फिल्म को एकदम रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया है। दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि KGF फिल्म में बहुत कम या फिर न के बराबर VFX का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें 100% VFX का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आपने अवतार फिल्म के बारे में तो सुना ही होगा, ये अब तक की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ये 1900 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी और लगभग 19000 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुकी है। तो इस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना।